इसी बुकलेट में शीट नंबर 40 में हमारे पास एक्चुअल में पूरी फिजिक्स में दो किस्म के टॉपिक हैं, एक जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर और दूसरा ग्रोथ एंड डिके ऑफ अ करंट एंड एन इंडक्टर, और दोनों के दोनों में डीसी बैटरी यूज करती है और हम उसको ऑन करके ग्रोथ एंड डिके की टॉपिक को करते हैं। हमने कैपेसिटर की प्रॉब्लम, यही शीट थी, सेम शीट थी, मैंने आपको प्रिंट आउट दिया हुआ है, इसकी पहली चार प्रॉब्लम्स कैपेसिटर की ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिसिटी में की हुई है, ये हमने कर ली थी। पांच प्रॉब्लम्स हमने सिक्स से शुरू करना है, जो आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। ये पूरी असाइनमेंट जो अगली पांच मिनट चलेगी ये मेडिकल वालों के लिए नहीं है, मेडिकल में ग्रोथ एंड डिके का कोई टॉपिक ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंट बहुत और लॉग्स बहुत यूज होंगे, वो आपको नहीं आते और आता भी नहीं है। तो आप पाँच मिनट रुकें और प्लीज़ बिल्कुल टेंशन ना लें कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, चाहिए ही नहीं आपको, सिर्फ नॉन मेडिकल वाले, मेंस और नीट के, मेंस के लिए और एडवांस के लिए बस, तो सीबीएसई के लिए भी नहीं। तो टॉपिक है सोलेनॉइड ऑफ इंडक्टेंस एल पता है एंड रेजिस्टेंस पता है इज कनेक्टेड टू अ बैटरी 6 वोल्ट, आर एल पता है 6 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, फाइन टाइम इलैप्स्ड बिफोर द करंट एक्वायर हाफ ऑफ द स्टडी वैल्यू। पहली बात, जब क्वेश्चन आता है ग्रोथ एंड डीके का, उसमें बिल्कुल मेंशन नहीं होता ये क्वेश्चन ग्रोथ एंड डीके का है, ये आपको खुद समझना पड़ता है, अदरवाइज एक आम बंदा ये सोचता है कि अच्छा डीसी बैटरी है, इंडक्टर कनेक्टेड है, तो इंडक्टर का तो कोई रोल ही नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि टाइम बताओ जब करंट हाफ हो गया, अभी यानी कि स्टेडी स्टेट नहीं हुई, आधा करंट हुआ है, यानी कि करंट अभी ग्रो कर रहा है, तो ग्रोथ ऑफ करंट है। तो करंट ऐसे ग्रो करता है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, एल बाय आर, एल पता है, आर पता है, टाइम कांस्टेंट आ गया, करंट मुझे कितना करना है आई नॉट बाय टू, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, अपनी मैथ के पूरे स्किल्स दिखाना और यहाँ पर टाइम कांस्टेंट पुट करके स्मॉल टी की वैल्यू को यहाँ से लॉग में कन्वर्ट करके ऑप्शन मार्क करना, आपको आपका आंसर ऐसे नहीं गिवन होगा, ऐसे गिवन होगा ए बी सी डी में, तो निकाल लेना। मेरा काम सिर्फ पहली क्वेश्चन बनाना है, बाकी मैथ्स आपको एक्सपोनेंशियल लॉग में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए मैं मेडिकल को कह रहा था रिलैक्स करो, आपको नहीं चाहिए, नॉन मेडिकल को पास समझ में आ रही है एक्सपोनेंट लॉग में कैसे काम करना है, सही बोल रहा हूँ ना? ठीक, जैसे LCR में L और R पता है, फिर से बैटरी पता है, स्विच ऑन कर दी बैटरी, पावर डिसिपेटेड 4 सेकेंड पे कितनी पावर डिसिपेट हुई ये बताओ। पहली बात L और R पता है तो टाइम कांस्टेंट आ गया, दूसरी बात जब LR सर्किट है ये इंपॉर्टेंट है, और मैंने स्विच ऑन किया बहुत देर के बाद करंट मैक्स हो जाएगा, वो मैक्सिमम करंट होगा E बाय R, XL का कोई रोल ही नहीं रहेगा, तो करंट मैक्स हो जाएगा E बाय R, तो I नॉट का मतलब क्या होगा EMF बाय R सिर्फ, तो I नॉट की जगह E बाय R। तो यहाँ से आप एक काम करें, टाइम पुट करें 4 सेकेंड, टाउ आपको पता है, E पता है, R पता है, करंट आएगा, मैंने ऐसे ही पुट कर दिया, आप जो भी करेंगे करेंगे, आई स्क्वायर आर से पावर डिसिपेशन आएगी, तो आई स्क्वायर आर से पावर, मतलब बेसिकली आपको 4 सेकेंड पे करंट निकालना है और फिर आई स्क्वायर आर से आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, जैसे इंडक्टर रेजिस्टेंस बैटरी सर्किट इज स्विच्ड ऑन, फिर से ऑन कर दिया, बैटरी की ईएमएफ ई है, फाइंड द चार्ज बैटरी से जो गया वन टाइम कांस्टेंट में, यानी कि अब जब तुम बैटरी ऑन करोगे तो करंट ग्रो कर रहा होगा, तो जब करंट ऐसे ग्रो कर रहा है, आई नॉट का मतलब क्या है, स्टेडी करंट का मतलब ई बाई आर पुट करना होता है, तो ये करंट जा रहा है पर तुम्हें चार्ज निकालना है, करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो पहले स्मॉल चार्ज निकलेगा आई डी टी, कहाँ से कहाँ चार्ज निकालना है, 0 से 1 टाइम कांस्टेंट, तो आई की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, मैथ के टीचरों को प्रणाम करेंगे और इसको सॉल्व करते हुए आंसर निकालेंगे। भैया तो नहीं को करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म के लिमिट पुट कर करके आंसर यहाँ तक मार्क करना पड़ेगा, टोटल चार्ज आएगा, सही बोल रहा हूँ? तो ऐसे यार, मतलब इसमें गेम ऑफ इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं है, इसलिए मेडिकल वालों को थोड़ा रिलैक्स करने को बोला है। एंड इंडक्टेंस एल एंड रेजिस्टेंस आर सीरीज में कनेक्टेड है, बैटरी की ईएमएफ ई कनेक्टेड है, फाइंड द मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ स्टोर ऑफ एनर्जी पावर होती है, रेट जिससे एनर्जी स्टोर हो रही है। अब मुझे पता है कि इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर में ये एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर, अब इंडक्टर में ग्रोथ ऑफ करंट हो रहा है, ग्रोथ ऑफ करंट में ये करंट है,
ग्रोथ ऑफ करंट का आई यहां पुट कर दिया तो एनर्जी आ गई। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द मैक्सिमम रेट जिससे कि एनर्जी स्टोर हो रही है। अब रेट ऑफ स्टोर ऑफ एनर्जी क्या होती है, पावर। रेट ऑफ स्टोर ऑफ एनर्जी का मतलब डी यू बाई डी टी। तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगाना, इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएट करके ये टर्म आएगी पावर। देखो मैं कर नहीं रहा कैलकुलस, आई होप आप कर लेंगे। तो ये पावर आ गई, उसने कहा कि ये रेट मैक्सिमम चाहिए, तो याद करो आपने मैक्सिमम मिनिमा कर रखा है, मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलस में। तो किसी भी चीज को मैक्सिमम करना हो तो उठा के इक्वल टू जीरो, इसे सॉल्व करके ये टर्म आएगी। ये वो कंडीशन है जब पावर मैक्सिमम है, इसको उठा के वापस इसमें पुट करके मैक्सिमम पावर निकाल लेना आंसर। ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का है मैथ्स का, ठीक है यहां तक। तो ये कुछ जो टेक्निक्स हैं जिससे कि आप अपने ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट को सॉल्व कर सकते हैं।